नगर निगम अमले पर व्यापारियों ने बोला हमला। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रही है, जहां तकरीबन सुबह 8:30 बजे रेवांचल बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम अमले पर व्यापारियों ने हमला कर दिया। तकरीबन आधे घंटे तक चले लाठी डंडों से आधा दर्जन नगर निगम कर्मचारी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और हमला कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में घायल नगर निगम कर्मचारी सुनील सिंह पिता सुभान सिंह, सुनील चुटकुले पिता मुन्नालाल चुटकुले, राम सिंह पिता कल्याण सिंह मुन्नालाल पिता छकौड़ीलाल, महेंद्र सिंह आदि को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि अग्रवाल फल ठेला वाले ने हमले की शुरुआत की, जिसके बाद दर्जनों व्यापारी व यात्री लाठी डंडे लेकर आ गए और नगर निगम अमले पर हमला बोल दिया। इस दौरान नगर निगम के जेसीबी मशीन का शीशा भी तोड़ा गया। वहीं हमला करने वाले कुछ आरोपियों को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। बैठे हुआ छोड़ कर लौंडा जी दुकान में आया, हो रहा है में लगाए हैं दुकानें, उसके लिए गए थे हटाने के लिए, साथ साथ सफाई और सफाई भी करवा रहे थे। हमला हुआ है बस स्टैंड में, क्या मामला है?
जी हाँ साहब, सुबह 8 बजे नगर निगम रीवा द्वारा बस स्टैंड में जो दुकानदार वहाँ पे निवासी अतिक्रमण कर लिए थे, जिससे बसों के आवागमन में असुविधा हो रही थी यात्रियों को, इस संबंध में अतिक्रमण हटाया जा रहा था। वहाँ पे स्थानीय दुकानदारों से कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और जो ऐसी सूचना आई है कि नगर निगम के 4-5 कर्मचारियों के चोटे हैं और JVC जो वहाँ पे मौके पे थी उसके भी ग्लास टूटे पाए गए हैं। और ये सूचना में भी फिलहाल अभी जो इंजर्ड हैं नगर निगम के कर्मचारी उनको अभी मेडिकल के लिए तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। पूरे घटनाक्रम का परीक्षण किया जा रहा है और जैसा भी उचित होगा वैधानिक कार्रवाई की। सर कितने लोग हैं? 5 लोग घायल हुए हैं नगर निगम के। सर उधर से भी कोई एप्लीकेशन आई है? नहीं, उधर से नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों को जो मौके पे हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि ताकि घटनाक्रम के बारे में पूरे तरह से समझ में आ सके किस तरह से घटनाक्रम हुआ। ये पूरे बस स्टैंड में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस पर टीन सेट 10-10 फुट आगे निकाल के और वहाँ दुकान से बाहर निकाल के व्यवसाय कर रहे थे। हमारे कमिश्नर यादव साहब 2 दिन उनको जाके समझाइश दी कि इसको हटा लो, तो कुछ लोगों ने तो हटा लिया था, कुछ जिद्दी टाइप के लोग थे, फल विक्रेता और एक अग्रवाल करके जो व्यापारी संघ का अध्यक्ष बना हुआ है रेवांचल बस स्टैंड का, उसने नहीं हटाया था, उनको JCB से हटा रहे थे, तो उन्होंने JCB से पत्थर मारा JCB में और JCB फोड़ दी और 3-4 आदमी मिलके हमारे 3-4 आदमियों के ऊपर राड से हमला कर दिया। उनको जिन्होंने हमला किया था उनको पकड़ के हम लोग साथ में ले आए हैं और थाने में बंद करा दिया है। TI साहब के पास है वो, तो हमारे कर्मचारियों को लग गया है, उसके बाद भी अतिक्रमण हट गया है और सफाई हो रही है, वहाँ काम चालू। सर आप लोग जब गए थे तो पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं? एक सामान्य व्यवस्था थी, पुलिस की जरूरत है? कोई झगड़ा करने थोड़ी गए थे हम लोग, सामान्य रूप से आधे से अधिक व्यापारी हटा चुके थे अपना। कुछ जिद्दी टाइप के लोग हैं जो करीब 20-20 फुट बढ़ाए हुए थे, फल वाले हैं और एक जूता वाला और एक वो एक व्यापारी उनका रेवांचल बस स्टैंड का अध्यक्ष अग्रवाल करके, वो उसने झगड़ा कराया पूरा कि नहीं हटाएंगे, जो जिसको जो करना हो कर लो। तो JCB मशीन उसका टीन सेट निकाल रही थी तो उसने मशीन पे पत्थर मारे तो शीशे टूट गए और उसके बाद एक जो राड वहाँ पड़े थे एंगल उससे लेके हमारे 2-3 कर्मचारियों को मार दिया उन्होंने। ये कब तक चलेगा सर अतिक्रमण? ये तो कंटिन्यू चलेगा, उसमें मतलब यातायात बाधित ना हो। अतिक्रमण का मतलब ये है कि किसी का नुकसान नहीं करना पर सड़क पर न लगाएं, सड़क पर लोगों को निकलने दें, बस निकलने दें, स्थिति अपने से हटा लेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी कुछ करने की। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770